आज हम काफ़ी बढ़िया कलरफुल कैंडल बनाना सीखेंगे, वो भी घर में आने वाले त्योहारों के लिए। इसके लिए मैंने सॉस पैन को गर्म करने के लिए रखा बिल्कुल लो फ्लेम पे। आपके पास जो मोमबत्ती है घर के अंदर, कैंडल्स है जो, उसे आप ले सकते हैं। टूटी हुई है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ख़राब हो जाती तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने फ्रेश का यूज़ करा है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे आपको मेल्ट करना है, इसे आपको कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए काफ़ी अच्छे से ये मेल्ट हो जाती है। जो इसके धागे हैं इसे आप साइड में निकाल के रख दीजिए, क्योंकि हमारे आगे काम में आएंगे। ये सारे धागे आप रख लीजिए, जितनी आपके पास मोमबत्ती उतनी आप यूज़ कर सकते हैं। बस ये अच्छे से आपके मेल्ट होना चाहिए। मैंने छोटे साइज़ के ग्लास लिए, आप जिसके अंदर कंफर्टेबल हो इसे जमाने के लिए उसके अंदर से आप जमा सकते हैं। इसके अंदर से आसानी से निकल भी जाती है, किसी भी चीज़ के अंदर इसे आप जमा सकते हैं। जितना आपको चाहिए, जितना ऊपर तक भरना चाहते हैं उतना इसे आप भर लीजिए। आप चाहें तो इसमें कुछ एसेंस डालना चाहते हैं, कोई खुशबू डालना चाहते हैं तो उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। खुशबू वाली भी इसके अंदर साथ आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे पूरा फिल कर लिया है। मैंने स्टिक आती है इसका यूज़ करा है। इसके ऊपर जो मोमबत्ती का हमारा धागा निकला था इसे आप थोड़ा सा लपेट लीजिए, जितनी हाइट है उस हिसाब से इसे आप फोल्ड कर लीजिए। देखिए अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे मैं एक राउंड और कर लूँगी। बस नीचे तक आपका थ्रेड जो है वो जाना चाहिए और इसे हम इस तरह से बीचों बीच सेंटर में सेट कर देंगे, ताकि जो धागा है हमारा बीचों बीच सेंटर में सेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। मैंने इसे कम से कम आधा घंटा ठंडा करा है। आधा घंटा आराम से सेट हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर भी छोड़ सकते हैं। जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर लेंगे, ताकि बीच में सेंटर में धागा भी रहेगा हमारा और एक्स्ट्रा धागा भी हमारा कट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आसानी से ये तैयार हो जाता है। कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे आप 10 से 15 मिनट फ्रीज में रख दीजिए तो भी ये सेट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ वाइट बनाई है और कुछ मैंने कलर वाली भी बनाकर पहले से रखी थी। कलर वाली के लिए मैंने जो कलर वाली मोमबत्ती आती मैंने उसका यूज़ करा था, या फिर आप जो वैक्स आते हैं बच्चों के कलर करने वाले उसे भी इसके साथ में मेल्ट कर सकते हैं, उनसे भी कलर हमारा अच्छा बन जाता है। लेकिन मेरे पास कलर वाली ही रखी हुई थी, वैक्स मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने वैक्स का यूज़ नहीं करा। ये देखिए कितने बढ़िया कटोरी है आपके पास में कांच की, तो उसके अंदर आप सेट कर दीजिए इसे। देखिए ग्रीन कलर का मैंने बनाया, अभी बनाया है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, थोड़ा सा ये लिक्विड है, बीच में से भी थोड़ा सा सॉफ्ट है। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे कलरफुल कैंडल बने, इसे आपको मैं जला कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल आसानी से जल जाएंगे, लंबे समय तक जलते भी रहेंगे, दिखने में काफ़ी सुंदर दिखेंगे। आप जलने के बाद खुद देखिएगा कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं, कोई आपको मेहनत नहीं लगती है। अगर आप चाहें तो मार्केट से वैक्स लाकर भी इसे बना सकते हैं। मोमबत्ती क्या आसानी से मिल जाती है, वैक्स कई बार आसानी से नहीं मिलता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कई जगहों पर मिलता है कई जगहों पर नहीं मिलता है। मोमबत्ती क्या हर जगह मिल जाती तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, कलर वाली भी मैंने रख दी है, वाइट भी रख दी है, जो आपको पसंद है उस हिसाब से इसे आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।